नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बिहार में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी, जानिए बड़ी इमारतों के निर्माण के लिए क्या होंगे नियम। लंबे इंतजार के बाद नीतीश सरकार ने आखिरकार नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही बिल्डिंग बायलॉज बनाने की तरफ कदम आगे बढ़ गया है। राज्य में अब बहुमंजिली इमारतों के निर्माण को लेकर सरकार की तरफ से स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। राज्य के शहरी इलाकों में इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नए बिहार बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी मिली है। नए बिल्डिंग बायलॉज को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जो जानकारी साझा की है, उसके मुताबिक बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुले जगह में वृद्धि लाने, ग्रीन एरिया की बेहतर सुविधाओं के दृष्टिकोण से 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाइयों के भवन के ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40% रखा गया है। बहुमंजिला भवनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर इससे उपविधि में प्रावधानित अन्य शर्तों के तहत ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा। बिहार में नहीं कम हो रही है लालू प्रसाद की मुश्किलें। चारा घोटाले के भागलपुर बांका कोषागार से अवैध निकासी मामले में होगी पेशी। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही है। पिछले दिनों रांची की सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दोषी पाते हुए लालू यादव पर 60 लाख रुपए जुर्माना के साथ 5 साल की सजा सुनाई थी, और अब भागलपुर बांका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की 25 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट में पेशी होनी है। बीते 16 फरवरी को पटना की सीबीआई कोर्ट ने भागलपुर बांका कोषागार मामले में सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था। सुनवाई सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह की अदालत में कांड संख्या 63A 96 में हुई है। इसके बाद चारा घोटाला मामले में कोर्ट ने निर्देश जारी कर सभी आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश करने को कहा है। बांका भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी मामले में कोर्ट ने लालू यादव, आरके राणा समेत 3 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया। लालू यादव के वकील सुधीर कुमार सिन्हा ने कोर्ट में आवेदन देकर प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की थी। बेरोजगारी का मुद्दा नीतीश सरकार पर भी भारी पड़ रहा। रोजगार मांगने वालों की संख्या 3 गुना बढ़ी। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर न केवल केंद्र की सरकार बल्कि बिहार की नीतीश सरकार भी घिरती रही है। रोजगार के सवाल पर सरकार के ऊपर विपक्ष हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ता, लेकिन अब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में रोजगार मांगने वालों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी के बीच लोगों की नौकरियां गई और ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ी जो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं। महामारी के दौरान देश और विदेश की कंपनियों में बेरोजगार हुए लोग और रोजगार के लिए सर्विस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आंकड़े बताते चले कि पिछले साल की तुलना में इस साल बिहार में 3 गुना ज़्यादा बेरोजगार ने पोर्टल पर अपना निबंधन कराया है। जिन लोगों ने सर्विस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, उनमें बेरोजगारों के साथ साथ कुछ स्वरोजगार करने वाले भी लोग शामिल हैं। ये आंकड़े तब है जब पढ़ाई करने वाले छात्रों ने रोजगार की मांग नहीं की है। पोर्टल पर अब तक के 13 लाख से ज्यादा निबंधन किए जा चुके हैं। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सरकार ने नेशनल करियर सर्विस पोर्टल यानी कि NCS बनाया है। जॉब फेयर और नियोजन के जरिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को रोजगार मेला लगाकर नौकरी के लिए आमंत्रित किया जाता है। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर से परेशान उपभोक्ता अब सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं कंप्लेन। बिहार में इन दिनों बिजली कंपनियों की तरफ से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान चल रहा है। राजधानी पटना में यह अभियान तेजी के साथ चलाया जा रहा है। पटना के ज्यादातर इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं के घरों और प्रतिष्ठानों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुका है, लेकिन स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ता गड़बड़ी की शिकायत कर रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से उनका बिजली बिल न केवल बढ़ा है बल्कि बैलेंस कट के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए बिजली कंपनियों ने अब नई पहल की है। बिहार में अगर आप स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर की समस्या को लेकर कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर के जैसे फोरम उपभोक्ता अपनी शिकायत लिखकर बिजली कंपनी को टाइप कर सकते हैं। ट्विटर पर @BiharEnergy को टैग करते हुए अपनी शिकायत लिख सकते हैं।
बिहार में टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए स्थानीय थाने से जोड़े जाएंगे सभी पर्यटन स्थल, ऐप से होगी निगरानी। बिहार में पर्यटन स्थल तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही अब पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पर्यटन विभाग नई व्यवस्था करने जा रहा है। पर्यटन विभाग ने पर्यटन क्षेत्र को स्थानीय थाना से जोड़ने का निर्णय लिया है। इन क्षेत्रों की निगरानी ऐप से होगी और मुसीबत में फंसे पर्यटकों को तुरंत सहायता दी जाएगी। बिहार में देश विदेश के पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी कर रहा है। पर्यटन विभाग के स्तर पर इसको लेकर काम तेज कर दिया गया है और अगले माह से सभी थानों में ऐप को जोड़ दिया जाएगा ताकि पर्यटकों तक हर सुविधा तुरंत पहुंच सके। कोरोना के बाद हुई विभागीय समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया था। सभी पर्यटन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे, जहाँ पर कैमरा की कमी होगी उस जगह पर अगले माह तक कैमरा लगाया जाएगा। इस संबंध में विभाग ने सभी जिलों को यह निर्देश दिया है कि कैमरा की जांच नियमित करें और जहां कैमरा लगाने की जरूरत है वैसे जगहों की रिपोर्ट बनाकर विभाग को दे ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वेबसाइट पर गाइड का पूरा डिटेल रहेगा, उनके बारे में स्थानीय पुलिस और विभाग के पास पूरा ब्यौरा रहेगा। बिहार में हाईकोर्ट ने थानेदारों को दी चेतावनी, साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई। साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर साइबर क्राइम के मामलों में थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने 23 जुलाई से 24 अगस्त 2021 के बीच पंजाब नेशनल बैंक के अनिसाबाद शाखा से जुड़े मामले में एसपी को जांच की प्रगति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय को इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक को देने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने एक अधिवक्ता के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के मामले में केस दर्ज नहीं करने पर रूपसपुर थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकॉम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है। बिहार में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ चला प्रशासन का डंडा, क्लिनिक और दवा दुकान सील, संचालक के खिलाफ केस दर्ज। जहानाबाद में अवैध निजी नर्सिंग होम के खिलाफ आज प्रशासन का डंडा चला। मंगलवार को जहानाबाद के एसडीओ मनोज कुमार सिंह ने 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के साथ घोसी थाना क्षेत्र के बराम सराय इलाके में छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित निजी नर्सिंग होम एवं दवा दुकान को सील कर दिया। एसडीओ ने संचालक के खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। दरअसल जहानाबाद जिले में बड़े पैमाने पर अवैध नर्सिंग होम का कारोबार फल फूल रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी झोलाछाप डॉक्टरों ने अपनी दुकान खोल रखी है। लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद आज एसडीओ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद अवैध नर्सिंग होम संचालकों में हड़कंप मच गया है। वेदर रिपोर्ट, 3 दिन बाद चलेगी पुरवैया, बिहार के इन जिलों में बारिश के भी आसार। बिहार में अब ठंड का प्रकोप कम हो गया है। पछुआ हवा चलने के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तपिश बढ़ रही है तो रात में ठंड में दुबकी रहती है। तापमान में वृद्धि होने के कारण दिन में लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन बाद 24 फरवरी से पूर्वी उत्तर और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी हवा चलेगी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व हिस्से में मध्यम बारिश होने की संभावना है। 25 फरवरी को भी कई जिलों में गरज के साथ बूंदाबूंदी होने का पूर्वानुमान है। इसके बाद फिर से मौसम साफ होगा। न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में सबसे अधिकतम न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस सीतामढ़ी का रहा है। पूरे राज्य में औसतन न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह अधिकतम तापमान की बात करें तो 27.8 डिग्री डेहरी में रहा है। राज्य भर में औसतन अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री दर्ज किया गया है। राजधानी पटना में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री रहा है। पारा चढ़ने से ठंड अब धीरे धीरे बहुत हद तक कम हो गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक अधिकतम तापमान भी मार्च के पहले हफ्ते में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया अवसर, इस विभाग में निकली है बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है, जहां बिहार में एक और बढ़िया अवसर सामने आया है। राज्य में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने सामुदायिक स्वास्थ्य ऑफिसर के पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। इस रिक्रूटमेंट
ड्राइव के जरिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के कुल 4000 पदों को भरा जाएगा। आपको बता दें कि इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया कुछ समय से चल रही है। अगर आप इसके लिए इच्छुक और योग्य हो और किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं किए हैं तो अब आवेदन कर सकते हैं। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने भी मंपर भर्ती निकाली है। ये वैकेंसी नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर निकली है। आपको बता दें कि इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद होगी जातिगत जनगणना। सीएम नीतीश ने कहा पूरी तैयारी हो गई है। जातीय जनगणना को लेकर बिहार सरकार ने अपना निर्णय ले लिया है। राज्य सरकार अपने खर्च पर जातीय जनगणना कराएगी। इसको लेकर सीएम नीतीश विपक्ष के साथ मिलकर तैयारी कर रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी करने वाले हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार हो रही देरी पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। आज जनता दरबार कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि 5 राज्यों में चुनावों के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार यह करना चाहती है। हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य करने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार सरकार पारदर्शी तरीके से जनगणना कराएगी, किसी भी प्रकार की चूक नहीं की जाएगी। तमाम सियासी पार्टियों की सहमति हो गई है। पहले कोरोना की वजह से यह रुका हुआ था, अभी यूपी चुनाव की वजह से रोका गया है। चुनाव के बाद इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।